सिंगल बोन फिश यानी एक कांटे वाली मछली को हर कोई खाना पसंद करता है। वजह साफ है, एक कांटे वाली मछली को बिना ज्यादा झंझट के आराम से खाया जा सकता है। जहां कई कांटों वाली मछलियों को खाते समय बेहद सतर्कता बरतनी पड़ती है, वहीं सिंगल बोन फिश को बिना किसी परेशानी के आराम से खाया जा सकता है। मछली खाने वालों के लिए जरूरी ये होता है कि वो पता लगा सकें कि बिना कांटे वाली मछलियां कौन सी हैं। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं होता। आज हम आपको भारत में पाई जाने वाली कुछ सिंगल बोन फिश के बारे में जानकारी देंगे। सिंगल बोन फिश तलाश रहे लोगों के लिए ये वीडियो मददगार साबित हो सकता है। बाम ईल मछली की एक प्रजाति है जो भारत सहित दक्षिण एशिया के कुछ देशों में पाई जाती है। नदियों और तालाबों में ये मछली खूब पनपती है। ये काफी चिकनी होती है। इस मछली में केवल एक ही कांटा होता है। गांव देहात के लोग तो इस मछली को सांप जैसी दिखने वाली मछली कहते हैं। इसका मुंह नुकीला होता है और पूंछ का हिस्सा भी काफी पतला होता है। सिंघी मछली भी एक कांटे वाली मछली होती है और इस मछली को खाना शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। हमारे देश में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो सिंघी मछली को बड़े ही चाव से खाते हैं। सप्ताह में दो बार इस मछली का सेवन करना अच्छा माना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर इस मछली में प्रोटीन और विटामिन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बढ़ती उम्र से चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों को इस मछली का मांस काफी हद तक रोकने में कामयाब रहता है। बिना कांटे वाली मछलियों में मांगुर मछली का नाम भी शुमार होता है, लेकिन आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि इस मछली को खाना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। यही वजह है कि इस मछली के पालन और इसकी बिक्री को भारत में पूरी तरह से बैन किया जा चुका है। एक वक्त था जब देशी मांगुर का भारत में बोलबाला था। देशी मांगुर खाने में कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब देशी मांगुर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। भारत की सबसे लोकप्रिय मछलियों में से एक है रोहू। इस मछली की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये एक कांटे वाली मछली है। इस मछली में वो सभी तत्व तो पाए ही जाते हैं जो कि हर बढ़िया मछली में मिलते हैं। साथ ही इस मछली में एक ऐसा तत्व भी पाया जाता है जिसे पूफा कहते हैं, और ये तत्व कैंसर सेल को नष्ट करने में कारगर साबित हो सकता है। रिसर्च जारी है और हो सकता है कि भविष्य में इस मछली के मांस से कैंसर से लड़ने वाली कोई दवाई ईजाद की जा सके। भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाई जाने वाली भेटकी मछली काफी लोकप्रिय है, और इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है इसका एक कांटे वाली मछली होना। इस मछली का स्वाद बंगाल के लोग काफी पसंद करते हैं। बंगाल के लोग इस मछली से फिश टिक्का बनाना बेहद पसंद करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मछली को खाने में कोई परेशानी नहीं होती होगी। भारत के तटीय इलाकों में सुरमई मछली खाने का भी काफी चलन है। ये मछली समुद्र में पाई जाती है और इस मछली में भी एक ही कांटा होता है। तटीय प्रदेशों के लोगों के बीच में ये मछली काफी लोकप्रिय है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इस मछली को सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं खाना चाहिए। वजह है इस मछली के मांस में मरकरी लेवल का ऊपर होना। बहुत ज्यादा खाने पर इस मछली का मांस शरीर को फायदा पहुँचाने की जगह नुकसान पहुँचा सकता है। एक कांटे वाली एक और मछली है सिंघाड़ा मछली। भारतीय उपमहाद्वीप में ये मछली काफी पसंद की जाती है, खासतौर पर बांग्लादेश में। भारत में भी इस मछली का बढ़िया उत्पादन होता है। एक कांटे की मछली होने के चलते लोग इसे भी खूब खरीदते हैं। भारत के तकरीबन हर मछली बाजार में ये मछली मिल जाती है।